लो जी ये है मेरा सूट और ये है मेरी बेटी का ड्रेस। चार बजे सोता हूँ। लाइट गई। चलो जी निकले। हसने पर मैं मेरी तरफ देख मैं हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। 14 में से जिसे पहनाएगा सबको पूरी जमीन पे रख दे ये दस्त को। बच्चों का रिश्ते दुश्मन हैदर से क्यों मैं लूं? जाने लोग मैं तुझे मेरे कासम पे तरस नहीं आता। अभी तो मेरे कासम को लोने का तरीका भी नहीं आता। कहा नाना नाना मुझे लहर मिल गई मुझे भी मिल गया सदात। नाना अगर मैं कल तेरे पास आऊं मुझे कब्र की जगह देगा? मजेदार चेरी चेरी लड़ी। सबसे ज्यादा कौन सी है? अभी की ड्यूटी करनी इंशाल्लाह 27 सफर और 28 सफर और 29 सफर। पहले जाना है मोची दरवाजे 27 सफर को, फिर 29 की सुबह आएंगे इंशाल्लाह। अपने दादा और मेरे अब्बा जी की बात हमने कोई सुनानी है फारिक टाइम। मुझे रिक्वेस्ट आई है चैनल पे आता भाई आपने अब्बा जी की कोई बात सुनानी है फारिक टाइम, ठीक है? क्योंकि मैं मैसेज आ दे मुझे जहर मिल गई मुझे विरसा मिल गया सदात। नाना अगर मैं कल तेरे पास आऊं मुझे कब्र की जगह देगा? आवाज आई हसन को आने दे तो मैं मना नहीं करता। हसन तुझे कोई आने दे तो नाना मना नहीं करता। वहां से उठा अच्छा नाना जैसे हसन की किस्मत सीधा मां जहरा की कब्र पे आया। अब नाना के पास गया था खड़े होके बात की। हसन माँ के पास ऐसे लेटा जैसे छोटे बच्चे माँ के पास लेटते हैं। कब्र को गले लगा के कहा माँ माँ मैं नाने से जगह मांगने गया था। नानी ने बता दिया कोई आने दे तो आनंद। अम्मा अगर मैं तेरे पास आऊं तो मुझे कब्र की जगह दे कि बीबी ने बहुत जुमला कहा चढ़ भाई जमीन आसमान। आवाज आई हसन मैं कहती हूँ मर के ना मर सीधा मेरे पास आ। क्यों मर के मरता है सीधा मेरे पास आ। जहरा ने कहा बेटा मेरे पहलू में आना हक तुझको नहीं देंगे मुसलमान कफन का। हसन इन्होंने तो तेरी मर दिया तुझे क्या हक देंगे। हसन घर आया आवाज आई बीबी की के कासिम के बाद मौला ओ मेरे आका ओ मेरे इमाम मौला पैगाम पहुंचाओ तेरे को कल सुन तो सुनना। हसन की आवाज आई नहीं उम्मे फरवा अभी रात नहीं हुई। मेरी जैनब बड़ी पर्देदार है वो माँ की कब्र पे भी रात को जाती है। जब आधी रात ढलने को आई ना आवाज आई कासिम आप मेरे करीब आ। कासिम करीब आया उम्मे फरवा की आवाज आई मौला कासिम ने पहले कभी मौत के पैगाम नहीं दिए। आवाज में इसका हुलिया वो बताऊंगा इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कासम के सर से हसन ने मामा उतारा मिट्टी उठा के कासम के सर पे डाली फरमाया जा तुझे बोलना नहीं पड़ेगा तेरा हुलिया देख के समझ जाएगी जैनब उजड़ गई है। हसन जल्दी से सहने बनू हाशिम में आया। जब फिदा की देखे कोई ऐर खड़ा है क्योंकि फिदा तहज्जुद के वजू का पानी नहीं आई जब देख दिया था। समझो हमारी कौन है रात के इस पहर में सादात घर में खड़े होने वाला। कासिम ने आहिस्ता से बोला अम्मा कासिम को जब फिदा के दईस कानों ने नहीं सुना। जब तीसरी मतलब कासिम ने आहिस्ता बोला ना बीबी कहती है बोलता है या बुलाऊं अब्बास को। उस वक्त कासिम थोड़ा सा मामूल से ऊंचा बोल कहता है अम्मा मैं कासिम हूँ। बीबी फिदा मुंह पे माथा पर कहती है कब फिदा उजड़ जाए रात के इस पहर यहाँ पे क्या कर रहा है। ये आवाज सुनकर बीबी जैनब दौड़ के आई आया कासिम। इस वक्त बीबी जब भी कासिम को मिलती थी मुंह चूमती थी। जब जैनब ने मुंह चूमा आवाज आई जैनब मर जाए तेरे सामने मिट्टी किसने डाली है। आवाज आई फूफी तू उजड़ने वाली है मेरे बाबा को जहर मिल गई है। बीबी दौड़ के आई कुलसूम अपना बुरका पहन ले मेरा उठा के जल्दी आ। बीबी का पहला कदम जुमला सुनना जो हिजरा जैनब अली का पहला कदम हुजरे में आया हसन को पहली खून की उल्टी आई। बीबी ने मुंह पे मातम किया हसन हमें छोड़ के जा रहा है बस सारा कुछ छोड़ दिया। हुसैन आए हनफिया आए सादात आए। हसन ने हुसैन का हाथ पकड़ा बिना तहमी कहा हुसैन कुलसूम का हाथ
मौला बैठ के रो रही है, मेरी जैनब कहा मौला तेरी पर्दादार बहन ये बैठ के रो रही है, मातम कर रही है। हसन कहता है सब आए हो, मेरा गादी नहीं आया। कहा मौला गादी बाहर दीवारों को टकरे मार मार के रो रहा है, आवाजें को अंदर क्यों नहीं आता। गादी मुंह पे मातम का भी कहता मौला कैसे है अंदर, जैनब के बाल खुले हुए। तो मौला गादी कैसे है, तेरी बहनों ने चादरें उतारी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवाज कर गई हसन की, कफन मिला हसन को। जूं मैं कहूं पहला कसम कफन मिला हसन को, कफूर किया। जनाजा तैयार है, सैयदादियां रो रही है। एक पाया हसन का हुसैन ने उठाया, एक पाया हंसिया ने उठाया, एक पाया अब्बास ने उठाया, एक मुस्लिम बिन अकील ने उठाया। जनाजा लेके सादात घर से चले, नबी के रोजे में पहुंचे। आवाज़ आई खबरदार, हम हसन को मोहम्मद के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। हुसैन की आवाज आई, ओ भाई भी मेरा मरा, निवासा भी मोहम्मद का मरा, और मोहम्मद के पहलू में मेरा हसन दफन ना हुआ। एक औरत खड़ी, उसने पहला तीर चलाया, जो 70 तीरों की कमाने करती। 70 तीर आके हसन के जनाजे में लगे, जनाजा कभी पीछे को गया कभी आगे को आया। हुसैन ने कहा ना मारो, मैं नहीं दफन करता। हुसैन पीछे हटे, अब्बास दौड़ के घर में आए। अब्बास जैनब आने के पास से गुजरे, जैनब की वादी कुलसूम, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ अब्बास मुझे सलाम किए बगैर गुजर जाए। जब अब्बास वापस आया, कयामत आई। जैनब ने देखा अब्बास की आंखों में आंसू, हाथ में तलवार, बाजू कपड़ा। कहा गादी कब्रस्तानों में तलवारें लेके नहीं जाते। गादी कहता बीबी मुझे छोड़ दे, और कयामत आ गई, तेरे हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई और हम उजड़ गए। जनाजा घर में आया, खत्म करता हूँ, 70 तीर है। हुसैन कहता सब हट जाओ, सब हट जाओ, कुसुम हट जाओ, मुस्लिम हट जाओ, गादी हट जाओ। जैनब करीब आ, बीबी करीब आई, कहा तू भी अली, मैं भी अली, 70 तीर है, 35 तू निकाल, 35 हुसैन निकालता है। जैनब कहती है बिस्मिल्लाह। एक तीर हुसैन ने निकाला, एक तीर जैनब ने निकाला। हुसैन के बाद जैनब कितने निकाल लिए, कहा 30 मैंने निकाल लिए, कहा 30 मैंने निकाल लिए। फिर 5 हुसैन ने निकाले, 4 जैनब ने निकाले। कहा आखिरी तीर बच गया, कहा जैनब आखिरी तीर क्यों नहीं निकालती। बीबी जैनब मुंह पे बादल करके कहती है कैसे निकाल लूं, ये तीर पता है कहां लगा था, ये तीर हसन को वही लगा था जहां पे असगर को लगा था। बीबी के बारे में तीर निकालती हूँ, हसन के गले की नगे कट करके बाहर आती है। और मेरा इतना नफीस भैया, और मेरा इतना नफीस भैया, और इन्होंने मेरे हसन का क्या हाल किया। आबद की इबादत का वादा, के इल्म और दिल के गुस्सा का वादा, सादिक के पाक दिल की सदाकत का वादा, कादम के सब्र और शहादत का वादा। या रब तुझे रजा की हिदायत का वास्ता, या रब तुझे तकी की तकावत का वास्ता, या रब तुझे नकी की नकावत का वास्ता, मासूम अस्करी की शराफत का वास्ता, या रब इमाम अस्र की गैबत का वास्ता। 14 के फैज से मेरी हाजत रवाई कर, परवरदिगार सब की तुम शुक्र गुजार कर। मौला हमारी तकलीफ की इबादत को अपनी बारगाह में शरण कर। हम जो बीमार हैं फिर दुआ करता हूँ मेरी वालिदा को, और जो जो बीमार है सबको मेरे मौला शिफा काफ़ी हो। मौला सारी बंदा साहब के घर से हर परेशानी को आफत को दूर फरमाओ, रहमतों बरकात कर दो। मौला इनको नस्लों तक इस जिक्र की वजीर को कायम रखो। मौला जितने तशरीफ फरमा है सबकी नस्लों तक इस जिक्र को कायम रखो। मौला जिनकी औलादें उन्हें जिंदगी अता फरमा, उन्हें नेक अपने नेक नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला मेरी माओ बहनों के पर्दे इससे महफूज रखो। मेरे मौला इनके रिस्क में लंगर में मजीद इजाफा फरमाओ। मेरे मौला मेरी आंटी को, मेरी खाला, मेरी माओ जितने खत्म होना छुपाए कामना वाला। मेरा जिसकी जो परेशानी है, जो दुख है, वो दूर फरमा। इमाम हुसैन फरमाते हैं बीबी उम्मे फरमा इतनी शर्म वाली थी कि जिंदगी में 3 बार बस हुसैन से बोली है, एक बार बड़ा कब बोली है। बीबी आके कहती है कि हसन को अगर हुसैन दफन नहीं होने देते तो मैं हसन पेके शहर ले लूँ। दफन नहीं होने देंगे। दूसरी मरतबा जदों हुसैन ने मदीना छड़े है, हुसैन ने मदीना छड़े है,
बीबी उम्मे फरमा चुप करके जिम्मे बेवा नहीं पेंदियां देवरां दे कोल बीबी बैठ कहिंदी हुसैन सानू गरीबां ना भुली मैं भी पुत्र पाल लिया मैं भी कसम की कुर्बानी तैयार करती सानू गरीबां भी नाल लै के उस उम्मे फरमा के सदका मेरे मौला उसके बेटे हैं उन्हें जिंदगी अता फरमा अल्लाहुम्मा कुल वली अगर हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि वसल्लम सलावातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाजी साते व फी कुल साते मिन साहब लाल बन नहार व लियम हाफिज व कायद व नासिर व दलील माएन हत्ता तुसके नहु रज बताओ मन मत के हुजी हसबी या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद पावे एक शेर पढ़ो मुरा करके मातम जरूर करो पा आज दिन रात मातम करो Few minutes later. नीचे नीचे से दिखा सकती हूँ, सॉरी ऊपर से दिखा सकती हूँ, नीचे सब लेडीज बैठी हैं। माशाल्लाह ये मेरी चाची का कमरा है, गनी बगा भाई की अम्मी का कमरा है, इतना शोर मच रहा है। ये जगह खाली, ये है बेड, लो जी ये है किचन नीचे वाला। अस्सलाम वालेकुम अंताबू चाची जान माशाल्लाह बिच्चे पारे का डुड्डू बनना है डुड्डू ओ देख ओए टेढ़ा फकड़ा ये चचा बैठे सत्तू भाई मुन्ना भाई कामरा भाई शहबाज और इधर भी कोई बैठे चलिए जी हम खाना खाने चले मजेदार
मजेदार। कितना प्यारा लगे सबसे ज्यादा कौन सी है कोई भी नहीं। ये झाग वाले कमाल है। अरबाज भाई आपने बहुत ही अच्छी ड्यूटी दी है, आपको पता है? ड्यूटी नहीं अभी की, ड्यूटी करनी इंशाल्लाह 27 सफर और 28 सफर और 29 सफर। पहले जाना है मोची दरवाजे 27 सफर को, फिर 29 की सुबह आएंगे इंशाल्लाह आप सब के लिए और तमाम जितने भी ये देख रहे हैं अमरीन फैमिली ब्लॉग उन सब के लिए मैं दुआ करूंगा माला सबको कामरानियां और कामयाबियां पाक आपको भी नेक औलाद बेटा दे बेटा चेरी पीने जीना यार अरे बात सुनो अपने दादा और मेरे अब्बा जी की बात तुमने कोई सुनानी है फारिग टाइम मुझे रिक्वेस्ट आई है चैनल पे कि अपने अब्बा जी की कोई बात सुनाए आफ्ताब भाई आपने अब्बा जी की कोई बात सुनानी है फारिग टाइम ठीक है क्योंकि मेरे मैसेज आ रहे हैं ठीक है ना ओके जी ओके बाय बाय तकी तो रामा वेह रहा सी साडी उठी मैं सोचेंगा ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਂ मेरे बच्चे को कोको मैंने लगा के दिए मेरे बूब ये को के भी शिट्टे बड़ी नहीं मैं वैसे मैं घर आके रख नहीं सा मैं तो पढ़नी तो नहीं कपड़े पाए ने कपड़े पा के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मोटरसाइकिल थले आई थले खंग लगी वैसे नहीं हैवी खाने खाते ना सारे ठीक करने बनाया था जाके पहले आड़ू झाड़ू ले आवांगे तेरे जूस से है ना तू मोह निकल रहा है यार तेरे जो
थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा बच्ची भी है हमारी अभी नींबू ज्यादा ना छोड़े ऊपर नहीं नहीं लाख खाना है सारी ये जियर रख से ना देर देखन जो मजेदार लग ये चीज दोनों मुड़े के कर दूंगी फिर मैं किथे रखा मदद करो अपने पैर आर करो सीधे लाओ।